जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल में हमेशा बदलाव आता रहता है और व्यक्ति के जीवन में कई बार तरह तरह के उतार चढ़ाव से उसे गुजरना पड़ता है। और ज्योतिष के जानकारों का ऐसा मानना है, उनका ऐसा बताना है कि किसी व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों की चाल का बहुत गहरा असर देखा जाता है। अगर ग्रहों की चाल शुभ हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरीके के लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति की कुंडली के अनुकूल उसके ग्रहों की चाल ना हो तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा भी होता है, बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष के जानकारों के अनुसार कि शनि जो हैं वो अब वक्रीय हो रहे हैं और अब इन कुछ पांच राशियों को काफ़ी ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, अब इन पांच राशियों को कुछ ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। चलिए फिर आज की इस रिपोर्ट में आपको उन पांच राशियों के बारे में बड़े ही विस्तार से जानकारी देते हैं। बता दें आपको, इस क्रम में पहला नाम है मिथुन राशि वालों का। ज्योतिष के जानकार ऐसा कह रहे हैं कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये समय बड़ा ही कमज़ोर रहने वाला है। विशेष रूप से आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौसम में परिवर्तन होने की वजह से आप लोगों को अपनी सेहत से जुड़ी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उसी के साथ घरेलू खर्चों में भी बढ़ोतरी हो रही है। बेवजह की यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो रहा है और अब आप बिना किसी वजह के ही मायूस भी रह सकते हैं। चलिए आपको अगली राशि के बारे में बताते हैं जिन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, तो वो राशि कर्क है। बता दें आपको, वैसे तो कर्क राशि वालों का ये समय मिला जुला रहने वाला है, लेकिन जीवन साथी के साथ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसी के साथ आप लोगों को इस दौरान बाहर के खान पान से दूर रहना होगा, वरना आप लोगों को पेट संबंधी कई परेशानियां हो सकती है। व्यापार के सिलसिले में आपको अचानक ही कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब आप लोगों को अपने कामकाज में भी कई तरीके के बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे अब अगली राशि के बारे में जो कि सिंह है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिंह राशि वाले लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब उनके लिए कठिन समय शुरू होने वाला है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम अब बीच में अधूरा रुक सकता है, जिसे लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत सतर्कता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका कामकाज भी प्रभावित होने वाला है। और विशेषकर आप लोगों को प्रॉपर्टी में निवेश करते समय सतर्कता इस समय दिखानी है। चलिए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, तो अगली राशि वृश्चिक है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस समय वृश्चिक राशि वाले लोगों को अचानक ही लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको इस यात्रा से बचना होगा, वरना ऐसा बताया जा रहा है कि दुर्घटना की संभावना बन रही है। जीवन साथी के व्यवहार से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। घरेलू सुख में कमी हो सकती है, आप लोगों की आमदनी में भी कमी आती हुई दिखाई पड़ रही है और इसी के साथ आप अपने ज़रूरी काम पूरे करने की कोशिश में अब लगे रहने वाले हैं। आप लोगों को मित्रों का सहयोग ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखने की ज़रूरत है। चलिए अब आपको बताते हैं अगली राशि जिसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, तो वो है धनु राशि। बता दें आपको, समय में धनु राशि वालों को बेवजह किसी परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। आपके व्यवहार में बदलाव आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। आप अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण ज़रूर रखें, वरना आपका स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है।
जरूरत से ज़्यादा खर्चों में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से आर्थिक परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये कुछ 5 राशियाँ थीं जिन्हें इस समय आने वाले समय में भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।